Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. मीडिया की खबरों की हद तक और वैसे भी जो भारत और पाकिस्तान की सरकारें कह रही हैं कि हमारे बीच लाइन ऑफ कंट्रोल में एक सीज़ फायर एग्रीमेंट हो गया है। आज ही हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि 5 रोज से कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई, कोई गोली नहीं चली। बहरहाल इसका स्वागत करते हैं दोनों तरफ के आवाम भी, दोनों तरफ की एस्टेब्लिशमेंट भी, लेकिन ग्राउंड पर सूरत हाल क्या है इसको जानने के लिए मेरे साथ जम्मू से इस वक्त जुड़े हुए हैं जनाब अजय कुमार चंगू भाई, जो इस सारी सिचुएशन को बहुत करीब से देख रहे हैं। वेलकम अजय भाई, कैसे हैं? मैंने परिचय में कहा कि सीज़ फायर की बात हो गई जो कि एक तरह से बर्फ जमी हुई थी बहुत अरसे से, और दोनों तरफ की ख़ास तौर पर कश्मीर की आवाम चाहते थे कि कुछ एटलीस्ट सीज़ फायर तो हो। आज हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट छपी है जी कि कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई और कोई गोली नहीं चली, लेकिन ग्राउंड पे सूरत हाल आपको जम्मू और कश्मीर पे कैसी दिखती है? जो क्रॉस एलओसी फायरिंग है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट जम्मू में पड़ता है और कश्मीर घाटी में अराउंड द माउंटेन वो आबादी से बहुत दूर एलओसी है। इसलिए पहली बात ये समझनी है कि जम्मू में ये क्रॉस एलओसी फायरिंग जो होती है उससे फर्क पड़ता है, लेकिन जम्मू में क्योंकि ब्रॉडली पेट्रियाटिक पॉपुलेशन रहती है वो सीज फायर की इस बार डिमांड नहीं कर रहे सरकार पे। उनकी तरफ से जहाँ पे सीज फायर का सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है या जहाँ पे जान और माल का नुकसान होता है उन एरिया से प्रेशर नहीं। इसलिए फिर क्या ज़रूरत पड़ी है कैसे हालात में उनको सीज फायर करने की, उससे थोड़ा बहुत हमको फील लिटिल बिट सरप्राइज क्या चल रहा है पीछे। ऐसे देखा जाए तो ये नॉर्मल एक सिचुएशन है, डीजीएमओज मिलते आ रहे हैं, बहुत बार उन्होंने पहले भी सीज फायर की डिक्लेरेशन की 2003 से अगर हम चलें तो रेगुलरली करते आ रहे हैं। बीच में 2004 से 2008 तक सीज फायर होल्ड कर पाया, लेकिन बाद में फिर वही सिलसिला 26/11 के बाद तो फिर वही सिलसिला चला। तो ये प्रोसेस रिपीट होते हैं, डीजीएमओस का मिलना और बाद में सीज फायर डिक्लेरेशन करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हालात के हिसाब से। तो इतना भी हमको हमारे ध्यान में है कि पिछले 2020 में 5000 के करीब सीज फायर वायलेशन हो गई है। ये भी हमारी जानकारी है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज भी, उनकी इंटरनेशनल पोजिशन भी इतनी ठीक नहीं है और भीतर की कंडीशन भी इतनी ठीक नहीं। इस वक्त वहाँ की एस्टैब्लिशमेंट को, वहाँ की आर्मी को एक रिप्रीव देना, एक थोड़ा सा ये क्यों भारत सरकार ने किया इस बारे में हम सोचते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि शायद इंटरनेशनल प्रेशर है, ये देखा जाए तो हमको नहीं लगता है कि ऐसी कोई परिस्थिति है कि फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन बियॉन्ड अ पॉइंट जाकर प्रेशर डालेंगे। अगर ये बेसिकली एक कॉस्मेटिक या आपका ये जस्ट एक टेम्पररी एक पोजिशनिंग है, अमेरिका में हुकूमत बदली है तो उसके बाद तो टू दैट एक्सटेंट इट इज अंडरस्टैंडेबल, लेकिन ऐसे शिद्दत से कोई ज़रूरत थी आंसर वो मुझे लगता नहीं है। और मैं इसको देखता हूँ कि एक मुझे माफ़ कीजिए बहुत समय से हमारे स्ट्रेटजिक थिंक टैंक में भी पोलिटिकल क्लास के एक सेगमेंट में एक किस्म की एक साइकोलॉजिकल एक एफ्लिक्शन है जिसको मैं कहता हूँ इट्स एन ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, एक अजीब किस्म का एक जिसको आप ऑब्सेशन है विच इज मोर और लेस साइकोलॉजिकल एफ्लिक्शन देन अ कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। ये साइकिल रिपीट होता है ग्राउंड पे, इसका असर कुछ और है, ग्राउंड पे रिक्वायरमेंट कुछ और है। अब भारत सरकार ने ये किया, अब इतना ही हमारे लिए
ये एक ऐसी रिलेशनशिप है जहाँ पे अगले साइकिल ऑफ एस्केलेशन का लोग फिर वेट करते हैं। तो एक से आम आदमी कॉमन सेंस के आधार पे जब उसका एनालिसिस करता है, वो बोलता है यार ये वही फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया, क्यों कर रहे हैं इस तरीके की बातचीत। यहाँ पे जो लोग सिचुएशन को समझते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, इंटरनेशनल सिचुएशन के बारे में भी कम से कम एक कॉमन सेंस को अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, मुझे लगता है कि वही एक सिलसिला फिर से चल रहा है जिसका हम विश्लेषण हो सकता कर सकते हैं क्या क्या हो सकता है। लेकिन somehow I feel it was not required, that many things which the government has been doing in the past one year they were not required। तो हम अपनी जगह यही विश्लेषण करते हैं कि ये क्यों होता है, जिसकी जरूरत नहीं है वो किस तरह से किया जाता है, कौन से प्रेशर्स, कौन सी लॉबिंग, कौन सी सोच अल्टीमेटली कॉमन सेंस से एक उस पर पारी हो जाती है। ये अनफॉर्चुनेट बात है लेकिन नहीं होना चाहिए। आपने कहा कि ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये बड़ा एक डिफरेंट एंगल आप बता रहे हैं हमें, तो क्या आप समझते हैं, चूँकि जब भारतीय मीडिया भी कह रहा है कि रिसेंटली चाइना ने भी रिट्रीट किया और वो इसको ये यूँ देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो इस मसला पर बहुत स्टिफ हुआ हुआ था और बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था भारत के ख़िलाफ़, वो अभी भी खैर कर रहे हैं, तो वो अपनी जीत समझ रहे हैं, यानी भारतीय मीडिया जो मैं बता रहा है वो ये कह रहा है कि इससे पाकिस्तान पीछे हटा है, चूँकि सीज फायर की ज़्यादा ज़रूरत भारत को थी क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से वो शैलिंग होती थी। तो आप कह रहे हैं कि ये रिक्वायर्ड नहीं था, तो इन दोनों बातों को कैसे जोड़ेंगे अजय भाई? देखिए, कश्मीर में सेपरेटिस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी ये नहीं कहती थी कि पाकिस्तान की तरफ से कितना, वहाँ पे पहली बार एक डिस्कोर्स चल रहा था कि भाई इंडिया ने एक बहुत अपनी पोजीशन पर दी, एलओसी पे बैठे जो लोग हैं, जो रहते हैं लोग हैं, वो कहते थे पहली बार इतने समय में एक प्रोपोर्शनेट एक रिटेलिएशन इंडियन स्टेट ने की, और पहली बार पब्लिकली पाकिस्तान के उधर साइड से, एलओसी के उधर साइड से लोगों ने बातें शुरू करने की पीछ की, अदरवाइज ये बात इस साइड से ही ज़्यादा होती थी, भाई हमारे रिहायशगरों पे आर्टिलरी शेल्स आ रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रही है। पिछले एक साल में जो एक प्रोपोर्शनेट एक वापस एक प्रोसेस रहा है, उसका असर पाकिस्तान पे ज़्यादा पड़ा है, और बातचीत के रुकने को या सीज फायर की बात को, जो सीज फायर टूट गया था, इस बार सेपरेटिस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी पे मिलिट्राइज सेगमेंट्स पे ज़्यादा असर उसका पड़ रहा था। उनकी सोच ये भी थी कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद और स्टेट का जब रीऑर्गेनाइजेशन हो गया दो यूनियन टेरिटरीज में, सेपरेटिस्ट क्लास का जो इंटरनल पेडिस्टल था कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल, वो पेडिस्टल वहाँ पे नहीं था। तो पहली बार वो सोच रहे थे कि भाई जिस इंटरनल सपोर्ट स्ट्रक्चर के आधार पे हम इसको चला रहे थे वो अब नहीं है, और क्या करना चाहिए। पाकिस्तान की हालत उनको लग रही थी कि वो अब इश्यूज को फोर्स नहीं कर पाएंगे। एक आशा की किरण उनके पास सेपरेटिस्ट क्लास के पास, शायद चीन सिचुएशन को एस्केलेट करे। चीन सिचुएशन को एस्केलेट नहीं कर पाया, वो और भी डिमोरलाइजिंग इफेक्ट हो गया। तो फिर भारत सरकार को ये प्रेशर क्यों रिलीज करना पड़ा, कौन सी आशा उनके पास है, कौन सा इसमें एक स्ट्रेटेजिक पर्पज है? मुझे नहीं दिख रहा है कोई इंटरनेशनल प्रेशर है, मुझे नहीं लग रहा है कि उनको करना चाहिए ना, इसलिए नहीं कि भारत सरकार को यहां से सिचुएशन को एस्केलेट करना, लेकिन इस प्रोसेस को कि भाई अगर आप तोड़ते हो तो हमारी तरफ से एक प्रोपोर्शनेट और इवन मोर देन प्रोपोर्शनेट एक रेस्पॉन्स रहेगा, तो आपको खमियाजा जैसे आप पहले इसको लेके सर्वाइव करते थे या इसको परसीवर करते थे, उससे ज़्यादा आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है कि वो प्रोसेस किसी तरीके से वो एक साइकोलॉजिकली एक अपर हैंड, इवन ग्राउंड पे भी जो एक अपर हैंड था वो उस पे ये एक कदम पीछे हटे हैं। अब क्यों हटे हैं ये हमारी सोच से अभी बाहर है, हमारे ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि 2000
5 अगस्त के बाद 2019 में जब स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को चेंज किया गया और यहाँ पे दो यूनिट, उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि इंटरनल जो सपोर्ट स्ट्रक्चर्स थे सेपरेटिज्म के वो बहुत हद तक कमजोर हो गए, उसके बाद से एक प्रोसेस चली सेपरेटिस्ट क्लास, उस प्रोसेस का एक बहुत बड़ा पहलू ये था कि भाई एक इंटरनेशनल और नेशनल नैरेटिव बिल्डिंग इतनी करो दुनिया के सामने, मोदी को एक हिंदू फैसिस्ट लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करो, इस बात पे इन्वेस्टमेंट करो, दूसरा हिंदुस्तान में जाके कैंपेन करके जो फिज पर कुछ ग्रुप्स हैं पॉपुलेशन में उनके साथ अलाइन करके और खासतौर से मुस्लिम पॉपुलेशन को अनरेस्ट के लिए प्रवोक करो, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात है कि कश्मीर घाटी में नए जो कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी है उसमें जो पुराना हेजमोनिक ऑर्डर है वो फर्दर इरोड नहीं हो जाए, उसके लिए एक एंगेजमेंट का सिलसिला रखो, ये तीन प्रक्रियाएं चली और दे वेर कंकॉम्पिटेंट विद द एफर्ट टू कीप द टेररिज्म इन द विजिबल रेंज, ये सामने रहे। तो अब ये तीन प्रक्रियाएं जो चल रही थी इनमें से नैरेटिव के लेवल पे उनको एज है इंटरनेशनल, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से सबसे बड़ा जो फेजर पिछले एक साल रहा है उन्होंने इंटरनेशनल नैरेटिव पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बहुत समय से नहीं कर रहे थे, लेकिन धारा 370 के निरस्त होने के बाद न्यूटर होने के बाद ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि हमारे फॉरेन ऑफिस का अगर पिछले एक साल में सबसे कोई बड़ा फेलियर है वो फेलियर है कि वो नैरेटिव में बहुत पीछे है। हम भी जानकारी रखते हैं यूरोप में हमारी एम्बेसीज में वहाँ पे किस तरीके का कैंपेन चल रहा है, अमेरिका में किस तरीके का कैंपेन चल रहा है और हमारी तरफ से भारत सरकार की तरफ से क्या एफर्ट हो रहे हैं, इट्स अ स्टेट ऑफ पैरालिसिस ऑलमोस्ट ऑन दिस साइड। इसलिए नैरेटिव के लेवल पे पाकिस्तान को एक अपर हैंड है, अनरेस्ट करने में किसी हद तक वो कामयाब हो गए लेकिन वो एक टेम्पररी फिनोमेना है, वो प्रोसेस ज्यादा आगे नहीं चले। अच्छा, अभी जो ये सीज फायर है ये एक किस्म का सिग्नल सेपरेटिस्ट क्लास को दे रहा है कि भारत सरकार एक प्रेशर में है, उनको लग रहा है कि जो एक साइकोलॉजिकल एक एनवायरमेंट मोदी जी के इर्द गिर्द उनको खड़ा करना है वो ये कर रहा है कि जहां पे आप पहली बार ये फिर से पुराने ट्रैक पे आने की कोशिश कर रहे हैं। और पुराना ट्रैक क्या था, वो था कि अनइंटरप्टेड एंड अनइंटरप्टेबल डायलॉग, उस वर्चुअली सिचुएशन ऑफ सरेंडर से हम शिफ्ट हो गए थे, नो टॉक स्टिल टेरर, ये करने से उनको पहली बार लग रहा है कि शायद आहिस्ता आहिस्ता से जो पिछले एक साल हमने एक मल्टी प्रॉन्ग्ड प्रोसेस को जन्म दिया और रिस्पॉन्स दिया उसका असर हो रहा है। और खासतौर से एक ऐसे टाइम में जब बिल्कुल इस सीज फायर से पहले एक दिन बाजवा का स्टेटमेंट था वो लगभग तो एक किस्म का एक अल्टीमेटम ही था। तो उस तरीके से जब हम इसको देखते हैं कि आइए रिजॉल्व कीजिए इस इश्यू को, कश्मीर डिस्प्यूट को, और उसमें पहली बार जो उन्होंने कंडीशन रखी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कि आर्टिकल 370 को रेस्टोर कीजिए और फिर यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के मुताबिक इसको सॉल्व कीजिए, तो इस तरीके का जो ये लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यू है और हमको इसको किसी भी तरीके से लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाना है, इमरान खान और बाजवा की तरफ से ऐसे वक्त आए और अगले दिन हम सीज फायर की बात समझते हैं। तो आप बिल्कुल एक कॉमन सेंस लगा के समझ लीजिए कि अगर इन स्टेटमेंट्स को सेपरेटिस्ट एस्टेब्लिशमेंट कश्मीर घाटी में या जम्मू कश्मीर में देखेगी तो वो किस तरह से इस सीज फायर को इंटरप्रेट करेगी। मुझे लगता है कि उनको क्लियरली लग रहा है कि आहिस्ता 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 जो फुटहोल्ड को ढूंढ रहे हैं वो फुटहोल्ड शायद वो बनाने में कामयाब हो रहे हैं। देखिए, आपने इंटरनेशनल फैक्टर्स की बात की, हमें जो अमेरिका से एक तरह की जो सेंस मिल रही है या वहाँ से जो क्या सराहियाँ हो रही हैं,
और जिस तरह अमेरिका से व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने फौरन ट्वीट किया और वेलकम किया इस सीज़फ़ायर को, जो इन्फॉर्मेशन अमेरिका से मिल रही है कुछ ऐसी हैं कि अमेरिका की नई एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर ये दबाव डाल रहे हैं कि भाई कश्मीर के मसला पर जो हीट आपने क्रिएट की हुई है, जो बयानबाजी देते रहते हैं, उससे ज़रा धीरे धीरे पीछे हटें, चूँकि अमेरिकन्स पाकिस्तान को ये भी पैगाम दे रहे हैं कि हम आपको चाइना के चुंगल से बाहर निकाल सकते हैं, आप ज़रा अपना लहजा धीमा कीजिए। ये तो अमेरिका की तरफ से क्या सराहियाँ हो रही हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड आज इमरान खान ने जो ट्वीट दिए हैं उसमें दोनों बातें की हैं। उन्होंने एक बात तो ये की कि हम अपनी तरफ से सीज़फ़ायर को वेलकम करते हैं और भारत में ही कमी रही है, और दूसरा उन्होंने कहा कि चाइना एक बहुत ही आइडियल कंट्री है, उसी रास्ते पे पाकिस्तान चल के एक बहुत आलीशान मुल्क बन सकता है। तो ये दोनों बातें, यानी अमेरिकन प्रेशर और इमरान खान का अपना ट्वीट देना, कुछ कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहा है, और आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? पहली बात है, क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने आप को चाइना के चुंगल में समझती है? अगर अमेरिकन यह समझते हैं कि पाकिस्तान चाइना के चुंगल में आ गया, उसका बेसिस क्या है, वो क्यों ये समझते हैं? और पाकिस्तान में क्या पब्लिक प्रेशर या पॉलिटिकल प्रेशर ऐसा है बन गया है कि चाइना के साथ उनको लग रहा है कि वो फंस रहे हैं? ये बात तो हमको, हम जितना समझते हैं पाकिस्तान को, थोड़ा बहुत जो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिलती है, ये तो सही बात नहीं। दूसरी बात यह है कि एक नया एक सिलसिला चला है जहाँ पे सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक मुस्लिम कंट्रीज एक अलायंस बना के एक मेजर इंडिया को अपने गिरफ्त में, जिसमें तुर्की है, जिसमें मलेशिया का भी एक रोल है, पाकिस्तान तो रोल प्ले ही कर रहा है। इस प्रोसेस के बारे में अगर भारत सरकार एक रिस्पॉन्स बनाती इफेक्टिवली तो हमको समझ में आता, लेकिन अमेरिकन की अपनी लिमिटेशंस है इंडिया पे प्रेशर डालने। और इंडियंस क्यों इतना सेंसिटिव है अमेरिकन को स्पेस देने में, अगर उनको उनके पाकिस्तान के साथ इश्यूज है, लेट देम सेटल देम। पाकिस्तान उनके साथ इतनी बार बातचीत कर, इतने साल बातचीत करता आ रहा है, कभी अमेरिका के एजेंडा को उन्होंने सफल होने दिया वहां पे? एक जिसको हम कहते हैं कि एक इकोनॉमिकली डिसइंटीग्रेटिंग कंट्री, मिलिटरी अनश्योर कंट्री पाकिस्तान जो है, और वहां पे जो इंटरनल स्ट्राइफ है, इंटरनल डिसइंटीग्रेटिव प्रोसेस अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं, उसको हम ईज ऑफ लाइफ देने के लिए क्यों तैयार है? हमारी लाइन ये क्यों नहीं है कि अमेरिकन को कहें कि भाई जिस पोजीशन में इस वक्त पाकिस्तान है, इस पोजीशन का एक फेट कंपनी उनके सामने रख के ही उनसे कुछ पॉजिटिव कंसेशन दिए जा सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान का रोल तो सिर्फ इंडिया में ही टेररिज्म करना नहीं है, अब तो दुनिया को मालूम है पाकिस्तानी एपिसेंटर है ग्लोबल जिहाद का, पाकिस्तानी एपिसेंटर है ग्लोबल टेररिज्म। तो हमारी समझ में, अगर हमारी सरकार बड़ी नर्वस है कि बिडेन आ गए तो वो पता नहीं क्या कमाल करेंगे, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि अमेरिकन की अपनी लिमिटेशन है विद रिगार्ड टू इंडिया, और इंडिया को अमेरिकन ब्रॉडर इंटरेस्ट को देख के उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन जो वाइटल हमारे सिक्योरिटी एरियाज है उसको देख के कोई कॉस्मेटिक गेस्चर करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि उससे ग्राउंड पे जो सेपरेटिस्ट मॉरल है उस पर काफी ज्यादा असर पड़ता है, टेररिस्ट एस्टेब्लिशमेंट जो ग्राउंड पे काम कर रही है उसका इंकरेजमेंट होता है, और सेपरेटिस्ट जो स्ट्रक्चर्स हैं ओवरग्राउंड एंड अंडरग्राउंड, उनको गैल्वनाइज होने में, उनको फिर से खड़ा होने में एक मौका मिलता है। आपने अहम बात की, आपने कहा कि इस सारे अमल से जो टेररिस्ट एस्टेब्लिशमेंट है जम्मू कश्मीर में, या जो स्लीपिंग सेल या इवन एक्टिव सेल जो वहाँ पे हैं, उनको एक मौका मिलता है कि वो अपने आप को फिर से री एस्टेब्लिश करें, तो ऐसी सिचुएशन आपको क्या नज़र आ रही है? देखिए, मैंने आप पिछले एक साल में 5 अगस्त 2019 के बाद, मतलब जब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, हम ऐसा देखते हैं कि भाई एक डिसाइसिव स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, विच वॉज अनसेटलिंग फॉर पाकिस्तान की तरफ से दो गेस्चर्स हुए, एक सडनली उन्होंने
नेहरूवियन एरा की दुहाई देनी शुरू की, दैट इंडिया इज नो मोर, नेहरू का अब इंडिया नहीं। और इंडिया में 70 साल ये डिबेट चला कि भाई नेहरू क्योंकि रिकनसाइल्ड नहीं था पाकिस्तान की क्रिएशन को लेके, इसलिए पाकिस्तान इनसिक्योर था और इसलिए पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप आई, मिलिट्री रूल हुआ। यहां पे एक डिस्कोर्स ये था कि नेहरूवियन जो पीरियड था उसने पाकिस्तान को इनसिक्योर किया। हमने इंडिया में स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स ने, पॉलिटिकल क्लास ने अपने आप के ऊपर ये एक भ्रम, ये एक मिराज ये थोपा था कि भाई एक्चुअली नेहरू पाकिस्तान जो कर रहा है उसके लिए नेहरू जिम्मेवार है। इट वाज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ ब्लेम व्हिच वी हैड क्रिएटेड। लेकिन जो ही आर्टिकल 370 उन्होंने खत्म किया तो पाकिस्तान के टॉप लीडर्स ने यह कहा कि भाई नेहरूवियन इंडिया नहीं है, इंडिया बदल गया और एक इस्लामिक आइडियोलॉजिकल इस्लामिक स्टेट, एक इस्लामाइज्ड पाकिस्तानी स्टेट ने सेकुलरिज्म की दुहाइयां देना शुरू कर दिया। ये एक बात हो गई कि नेहरूवियन जो ये प्रोसेस थी, भारत सरकार को इससे एक क्यू लेना चाहिए था कि पहली बार एक इंटरनल पेडिस्टल, मैंने आपके साथ इंटरव्यू में लास्ट टाइम कहा दैट जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 वाज द कंटिन्यूएशन ऑफ पाक मूवमेंट, पाकिस्तान मूवमेंट ऑन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर हैड बिकम अ मुस्लिम स्टेट ऑन द टेरिटरी ऑफ सेकुलर इंडिया। जो ही ये पेडिस्टल ब्रेक हो गया तो पाकिस्तान परेशान हो गया। अच्छा, ये जो 5 अगस्त के बाद वहां से काउंटर रेस्पॉन्स जो भी इंटरनेशनल पे, लेकिन इंटरनली 3-4 बातें भारत सरकार ने, कुछ समय के बाद उन्होंने कहा कि हम डोमिसाइल लॉ लाएंगे और डोमिसाइल लॉ 15 साल के लिए लाएंगे। सेपरेटिस्ट क्लास ने इस बात को समझा कि भाई आर्टिकल 370 एक बैकडोर से वापस आ रहा है। भारत सरकार ने कहा कि हम इलेक्शन ये नई डिलिमिटेशन करेंगे 2011 के सेंसस पे, जिसके बारे में यहाँ पे ब्रॉडर पेट्रियोटिक सेगमेंट में था भाई पुराना जो सेंसस हुआ वो एक सेपरेटिस्ट डोमिनेटेड एस्टेब्लिशमेंट ने किया और उसमें काफी फजिंग है, और उसमें से निकलने के लिए क्योंकि 2021 में सेंसस नया होगा उस सेंसस के आधार पे अब डिलिमिटेशन करनी चाहिए। लेकिन जो ही भारत सरकार ने रिट्रोस्पेक्टिव जाके 2011 के सेंसस में किया तो ये मैसेज थी कि वो पुरानी जो आर्टिफिशियल लेजिस्लेटिव हेजेमनी क्रिएट की गई थी जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेटिक सिस्टम में, उनको प्रिजर्व करने के लिए, इनफैक्ट स्ट्रेंथन करने के लिए वो आगे आए हैं एज सॉर्ट ऑफ ए सॉफ्ट, एक किस्म का एक कंसेशन सेपरेटिस्ट क्लास को, ओवरग्राउंड सेपरेटिस्ट क्लास को दे रहे हैं कि भाई आप पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करो, जिस हेजेमनी का आपने जिसको बिल्ड किया था हम इंटरनल हेजेमनी को आपको डिस्टर्ब नहीं करें, ये दूसरी बात। तो अब ये जो एक सीज फायर का हो गया, ये प्रोसेस उसी सिलसिले की एक कड़ी हम मानते हैं कि एक एक करके भारत सरकार लग रहा है कि एक पुराने ट्रैक पे जा रही है। अच्छा, भारत सरकार ये कह सकती है कि ये इसको इतना आप सीरियसली नहीं लीजिए, लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा इंपैक्ट आर्टिकल 370 को हटने के बाद ये हुआ कि एक साइकोलॉजिकल डिसइंटीग्रेशन सेपरेटिस्ट क्लास में आ गई। पिछले एक साल से आहिस्ता आहिस्ता से एक साइकोलॉजिकल, जिसको आप कहेंगे कोहिजन की तरफ, वो फिर से बढ़ रहे हैं, एक स्टेबिलिटी की तरफ आ रहे हैं, और वो एक अच्छा लक्षण नहीं, वो एक अच्छा साइन नहीं। जो उनको लग रहा था कि गेम हार ही गए हैं, उनको लग रहा है नहीं, इसको रिक्लेम किया जा सकता है। तभी बाजवा ने कहा कि आर्टिकल 370 को रिस्टोर कीजिए, या पाकिस्तानी लीडरशिप कह रही है कि भाई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो सकता है कि आर्टिकल 370 को रिस्टोर कीजिए। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो ये टोटलिटेरियन वॉर कश्मीर में है, जिनोसाइडल वॉर जम्मू कश्मीर में चल रहा है, इसमें सेपरेटिस्ट क्लास या टेररिस्ट क्लास का साइकोलॉजिकल जो उनकी इंटेग्रिटी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनको लगे कि भाई हमने पुराने उस सडन असॉल्ट को अब जेल के हम आहिस्ता आहिस्ता से फिर से अपने पैर जमा रहे हैं ग्राउंड पे। मुझे लगता है कि ये मैसेज इस चीज फायर से भी उसी तरीके की सोच को एक कंसोलिडेशन। आई डोंट थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू गेन मच फ्रॉम पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू गेन मच फ्रॉम द इंटरनेशनल अरीना।
मैं समझता हूं कि इंडियन कैपेसिटी टू रिलेंटलेसली स्टैंड अप टू टेररिज्म अल्टीमेटली इंडियन इंटरनेशनल प्रेशर को इंडियन इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी को बढ़ाएगा। जो उनको लगता है कि मॉरल पोजिशन लेके हालात ठीक होते हैं, दुनिया में इंटरनेशनल रिलेशनशिप बनती है, वो एक बचकानी बात है। ये सबको मालूम है, दुनिया में कोई भी जो प्रिलिमिनरी स्टूडेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी हो, नेशनल इंटरेस्ट हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, उसको मालूम है इंटरनेशनल रिलेशन में मॉरेलिटी कुछ नहीं होती है, बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट क्लियर कट नेशनल इंटरेस्ट वो मैटर करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इनफैक्ट जो वहाँ पे सूरत हाल है कश्मीर में, वो काफ़ी एक तरह से कॉम्प्लेक्स है, और जो इस वक्त की भारत की सरकार आप समझते हैं वो उन्हीं पॉलिसियों पर ही चल रहे हैं जिन पे पहले भारत की सरकारें चला करती थी। पिछले तो, एक साल जी 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 तो मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ अजय भाई, कि हमें तो बहुत डिफरेंट नज़र आ रहा है कि ये जो भारतीय सरकार है डिफरेंट तरह से चल रही है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वही ट्रैक 1-2 जिसकी बातें हुआ करती थी उस पर वापस आ रहे हैं। हो सकता है कि अब वो ट्रैक 1-2 को भी वापस ला रहे हों मगर अपनी शराइत पे वापस ला रहे हों, क्या ऐसा आपको नज़र आता है? मेरे को लग रहा है कि देखिए, जब आज के सिलसिले में जिन्होंने हटाया हमारी क्लियर सोच थी, हमने उनको कहा कि यू कैन नॉट बिल्ड ए न्यू ऑर्डर ऑन द सॉइल ऑफ द ओल्ड ऑर्डर। हमने कहा उनको कि भाई ओल्ड ऑर्डर इज ए क्विक सैंड, एक दलदल है, इस पे आप नई इमारत नहीं बना सकते। और हमने 2-3 चीजें उनको कहा, हमने उनको बोला कि पहली बात जो आपको करनी है अब वो ये है कि एक आवाम के सामने आप क्लियर बात कहिए कि भाई अब इंटीग्रेशन को लेके कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, वैसा ही अंग है जहां जैसा हिंदुस्तान का कोई भी हिस्सा है। ये जो ये बात है, जो ये स्टेटमेंट आपने दिया आज कुछ चीजें में चीज को हटाने के बाद, इसमें कोई वैसिलेशन नहीं दिखाई। इससे दो बातें होंगी अगर आप फर्म रहेंगे इस बात को लेके। पहली बात ये होगी कि कश्मीर घाटी में मुस्लिम में जो सेगमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते, उसके बारे में अनश्योर है, पाकिस्तान की डेस्टिनी के बारे में अनश्योर है, एक बहुत बड़ा वर्ग जो टेररिस्ट विक्टिम मुस्लिम्स में है वहां पे, वो कोई मैं सैकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, हजारों फैमिली की बात कर रहा हूं उनको, और जो लोग जो वहां पे मुआशरे में जिन्होंने 47 से लेके आप कहिए टिल रिसेंटली जिन्होंने भारत का साथ दिया, जो वो सेगमेंट उनको एक अनएम्बिगुअस मैसेज जाएगा कि भाई अब इंडिया एक नॉर्मल स्टेट की तरह बिहेव कर रहा है, वो अपने लोगों को ढूंढ रहा है, वो पैट्रियाटिक सेगमेंट्स को एम्पावर करने की बात सोच। तो हमने पहली बार उनको कही कि भाई आप हाफ पे सेपरेटिज्म एज गवर्नमेंट मॉडल छोड़िए, आप क्योंकि हाफ पे सेपरेटिज्म जो था गवर्नमेंट मॉडल, ये एक पॉलिसी स्ट्रक्चर था जिसमें सेपरेटिज्म को एक प्रीमियर था, इट इज द इंटरनल सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर सेपरेटिज्म। अगर पाकिस्तान अपना सपोर्ट बंद भी करे, जो ये हाफ से सेपरेटिव गवर्नेंस मॉडल है, ये सस्टेन कर पाएगा सेपरेटिज्म को, टेररिज्म को इनसाइड। तो हमने कहा कि भैया ये एक तो एक क्लियर कट मैसेज दो कि भाई आपने इंटीग्रेशन की, इसमें आपको कोई दोराय नहीं है, जम्मू कश्मीर की लोगों की बहबूदी के लिए आपने इंटीग्रेशन की, और इसके बारे में आप फर्म हो, पुराना मॉडल फेल हो चुका है, ये 70 साल में प्रूव हुआ है, ये एक अनएम्बिगुअस आप मैसेज दीजिए। दूसरी बात, हाफ पे सेपरेटिस्ट मॉडल गवर्नेंस मॉडल को आप गिव अप कीजिए, और पहली बार आप पॉलिसी शिफ्ट कीजिए जहां पे आप स्ट्रक्चर्स को आप फ्रॉम पॉलिसी स्ट्रक्चर्स को आप बनाइए जहां पे लोगों को ये मालूम पड़े जो हिंदुस्तान के साथ है उसी के साथ हिंदुस्तान सेपरेटिस्ट के साथ नहीं। हिंदुस्तान अब ये नहीं सोचता है कि उनको पैसा देने से वो उनको जीत पाएगा, हिंदुस्तान अब ये नहीं सोचता है कि उनको अपील करने से इस आशा में कि वो कल को हिंदुस्तानी बनेंगे, वो अब हिंदुस्तान सोचता है कि जो हिंदुस्तानी है उसी के माध्यम से कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू करना। ये तीन बातें भारत सरकार को जो करनी थी वो कर नहीं पाई, और ये मेजर फेलियर फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे भी, इंटरनल पॉलिसी के लेवल पे भी।
वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई वो एक नए माशरे का, एक नए सिस्टम का वो निर्माण नहीं कर पाएंगे, पुरानी धरती पे, पुरानी दलदल पे वो उसको खड़ा नहीं कर सकते इस इमारत को। अच्छा, अब जब मैं इस बात को सोचता हूँ, मैं समझता हूँ कि बहुत समय से मैंने कहने की कोशिश की है बहुत बार कि भाई हमको समझना चाहिए कि पाकिस्तान की पैठ इंडिया में क्या क्या है। आर्टिकल 370 एक मुस्लिम स्टेट ऑन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक डेफ्थ है। हाफ वे सेपरेटिस्ट गवर्नेंस मॉडल, ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक डेफ्थ है। ऐसी बहुत सी चीजें जो पाकिस्तान की हैं जो उसको पेनिट्रेशन देती है। जो ही आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया, एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ दैट एस्टैब्लिशमेंट विद इन इंडिया हैज गॉट गैल्वनाइज्ड, और वो प्रेशर्स बिल्ड कर रहे हैं भारत सरकार को। मुझे लगता है कहीं पे उनकी माइंड स्पेस को घेर के रखा है और पुराने पोस्टुलेट्स ही सामने ला रहे हैं, और उन पुराने पोस्टुलेट्स के बेसिस पे ही एंगेजमेंट करवाना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। और अभी तक एक साल में हमको लग रहा है कि मोदी सरकार उस प्रोसेस में शायद फंसी हुई लग रही है। मुझे इसमें कोई स्ट्रेटजिक सेंस नहीं लग रही है, मुझे इसमें कोई स्पेक्टेकुलर कोई थॉट प्रोसेस नहीं लग रही है, अदर देन वेटिंग टू द एनसर्कलमेंट, द आइडियोलॉजिकल एंड द माइंड एनसर्कलमेंट विच हैज बीन डन। ये एक लक्षण दिया प्रधानमंत्री जी ने जिससे मैं बहुत ये, वो जब पार्लियामेंट में रोए गुलाम नबी आजाद से, ये मुझे आजाद साहब के साथ कोई ये नहीं है, ये लक्षण को, ये एक लगता है कि साइकोलॉजिकल विल्टिंग का एक लक्षण था। लगता था कि वो किसी तरीके से ये बताना चाहते थे कि वो कॉमनल नहीं है, वो बड़े सेकुलर हैं, तो ये दुनिया को बताना चाहते थे या ऑलरेडी प्रेशर में थे और उसके कारण उनके मुंह से ये निकला। हम अपने प्राइम मिनिस्टर से जिसने कुछ ऐसे कदम जे एंड के में उठाए जो सरदार पटेल के कदमों से भी बड़े स्ट्रांग थे, उन्होंने पिछले जब से वो पावर में आए हैं, मैं समझता हूँ कि सरदार पटेल को इंडिया में आयरन मैन कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल आयरन मैन लाइक स्टेप्स मोदी ने लिए, फंडामेंटल जो स्टेप्स थे। लेकिन अगर वो एक नई प्रक्रिया में फंस जाते हैं ये देश के लिए ठीक नहीं। और मैं, मेरे कहने का भी मतलब ये यहाँ पे यही है कि मैं चेताना चाहता हूँ दिल की शिद्दत से उनको कि आप गलत कर रहे हैं, आप नहीं कीजिए, ग्राउंड आपके कंट्रोल में आ रहा है, इसको फिर से अपने कंट्रोल से नहीं बाहर देनी जाने दी। और भारत सरकार के पास एक ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है, 71 वॉर के बाद कश्मीर में सेपरेटिस्ट एस्टैब्लिशमेंट ने शेख उपला को कन्विंस करना शुरू कर दिया कि आप अगर पावर में नहीं आओगे तो हम खत्म हो जाएंगे, सारी मूवमेंट खत्म हो जाएगी। देयर वाज अ कंसेंसस इन द एंटायर सेपरेटिस्ट क्लास दैट पावर हैज टू बी कैप्चर्ड। अब इस रिक्वायरमेंट को उन्होंने सेल किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि भाई इंडिया अब 71 वॉर के बाद तो अब पाकिस्तान में ताकत नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कोई इंटरनेशनल लिवरेज नहीं है, उनको अगर मेन स्ट्रीम में हम लाएंगे तो ये तो बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। जो ही 75 में शेख उपला को ऑलमोस्ट एज ए विक्टोरियस सीजर वापस लाया, हालात बिगड़ने शुरू हो। कश्मीर में हम इसी एक पॉइंट पे इस वक्त हैं जम्मू कश्मीर में कि हमने एक मेजर स्टेप लिया, जिस मेजर स्टेप के कारण एक नेशनलिस्ट इंपरेटिव के लिए एक बहुत बड़ी स्पेस निकली जेएंडके में। अब अगर हम वैसलेट करेंगे वैसे ही थ्री स्टेप्स बैक एंड हाफ ए स्टेप फॉरवर्ड, इससे सिचुएशन पहले से भी ज्यादा खराब हो जाए। देखिए, इसी सीज फायर की खबर पर शेख फारूक अब्दुल्ला ने रिएक्ट करते हुए अपनी पॉजिटिव एक तरह से ओपिनियन थी। उन्होंने कहा कि हम मुंतज़र थे कि इस तरह का कोई कदम उठाया जाए, और दोनों सरकारों को इस मामले में कंग्रेजुलेट करते हैं। तो आप कैसे शेख अब्दुल्ला शेख फारूक अब्दुल्ला की बात को देखते हैं? मैंने बहुत समय से इस बात को एनन्शिएट किया है, जब मैंने आपको हाफ वे सेपरेटिस्ट गवर्नेंस की बात की, हाफ वे सेपरेटिस्ट पार्टीज में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी प्रॉमिनेंट, कांग्रेस भी किसी हद तक हाफ वे सेपरेटिस्ट पार्टी ही यहाँ पे गेंद के में। हाफ वे सेपरेटिस्ट जो स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ये सेपरेटिज्म और टेररिज्म का ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर है।
नैरेटिव में ये कहा जाता है कि दे आर क्लोजर टू इंडिया, नहीं। देखिए, एक सेक्युलर पॉलिटी रिलीजियस सब नेशनलिज्म के साथ जब अकॉर्ड करती है तो सेक्युलरिज्म खत्म हो जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस रिप्रेजेंटेटिव द कश्मीरी मुस्लिम सब नेशनल पॉलिटिक्स विच इज अ नेगेशन ऑफ इंडियन सेक्युलर। जिस तरह से अकालीज रिप्रेजेंट करते हैं सिख सब नेशनलिज्म, रिलीजियस सब नेशनलिज्म, बीजेपी ने उनके साथ भी अलायंस किया और बीजेपी ने तो कांग्रेस को कम से कम ये नहीं बोलती थी कि ये सब नेशनलिज्म को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, इस रिलीजियस सब नेशनलिज्म को। लेकिन अरुण जेटली जो इनके डिफेंस मिनिस्टर, उसने तो ओपनली कहा कि हमको जो सब नेशनल ग्रुप्स है उनको साथ लाना, उनके साथ एंगेज करके साथ लाना। और ये 70 साल से सब नेशनल पॉलिटिक्स को, रिलीजियस सब नेशनल पॉलिटिक्स को पैटर्नाइज करना एक एक सुसाइड, एक लॉन्ग प्रोट्रैक्टेड सुसाइड। फारूक अब्दुल्ला ने प्रीवियस स्टेटस को लाने की जो गुप्कार डिक्लेरेशन के बाद वहां पे ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर में अपने सामने ये रखा कि भाई जो चेंजेस मोदी ने लाई हैं वो चेंजेस नेगेट करके पुराने सिस्टम पे गए, दैट इज द इमीडिएट गोल विच दे हैव ड्रॉन। और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने तो यही बात कही कि आर्टिकल 370 को मिनिमम, दैट कैन बी द फर्स्ट स्टेप, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्टेप बिफोर वी कम टू द फाइनल सॉल्यूशन, यही बात कही। तो जो ये प्रोसेस चल रही है ओवरग्राउंड की और पाकिस्तान की, आप इसको क्लियरली इसमें एक लिंक देखोगे, इसमें एक कनेक्टिविटी देखोगे। इसलिए फारूक अब्दुल्ला को तो करना ही चाहेगा क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों डबल फ्रंट सिचुएशन चाहते, वो डिसअपॉइंटेड है कि चाइना ने सिचुएशन को एस्केलेट नहीं किया। अब वो अंदर से सरप्राइज होंगे कि भारत ने ये एक स्टेप ले लिया, तो वो खुश होंगे क्योंकि उनको लग रहा होगा कि जो भी अपने तरीके से उन्होंने इंटरनल इंडिया, इंटरनल डायनेमिक्स में इंडिया के एक उन्होंने जो एक प्रोसेस शुरू किया है, यहाँ के रेस्ट ऑफ इंडिया में भी ऐसे लाइक माइंडेड फोर्सेस को लेके वो प्रोसेस सक्सेसफुल हो रही है, इसलिए वो उनका वेलकम करना परफेक्टली नेचुरल था और परफेक्टली उनके उनके हिसाब से तो बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो बिल्कुल आखिर में अजय भाई हमें ये बताइए कि फिर सूरत हाल किस तरफ जाती नजर आती है आपको? ये अभी मैं नहीं समझता हूँ कि डिटरियरेशन हो जाएगा क्योंकि डेब्लिटेटिंग इंपैक्ट ऑफ रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370, न्यूट्रिंग ऑफ आर्टिकल 370 और बाकी जो नॉर्मल प्रोसेस में जो एक डेवलपमेंट एक यूनियन टेरिटरी में एक्टिविटी हो रही है वो प्रोसेस, और खासतौर से जो यहाँ पे स्टेट होने के वक्त जब ये स्टेट था, एक यूनिफाइड कमांड जो था जिसका चीफ मिनिस्टर हेड हुआ करता था, ये यूनिफाइड कमांड नहीं था, ये हाफवे कमांड, क्योंकि इस यूनिफाइड कमांड का हेड एक हाफवे सेपरेटिस्ट पार्टी का लीडर हुआ करता था, वही चीफ मिनिस्टर हुआ करता था। तो यहाँ पे जो प्रोसेस चल रही थी सीकेटी के नाम पे भी उसको भी 10 लेवल पे ऑब्स्ट्रक्ट किया जा सकता, अब वो सूरत हाल नहीं। मैं नहीं समझता हूं कि टेररिज्म उस तरीके से, दे माइट कीप इट इन अ विजिबल रेंज। कश्मीरी सेपरेटिस्ट क्लास का जो कैलकुलेशन है वो ये है कि इंडिया में अनरेस्ट में इन्वेस्ट करो, फिसिपरस टेंडेंसीज में इन्वेस्ट करो, जे एंड के स्टेट में जो एग्जिस्टिंग जो भी हेजमोनिक प्रोसेसेस हैं उनको प्रिजर्व करने की कोशिश करो इन द नेम ऑफ पीस, in the name of confidence building measures, internationally invest karo modi ko defame karne mein, modi government ko defame karne mein, lekin unke paas abhi surat hal aisi nahi hai, even log ab kashmir ghati mein unko log nahi sakte, agar aap kabhi kashmir aayenge is waqt agar aap ja sakte hain aap dekh lijiye ki personal abuse aam aadmi ke level pe mahbooba mufti aur farooq abdullah ko kitna ho, in fact उमर अब्दुल्ला ने तो ओपनली कहा लोग हमसे नाराज हैं, उसने तो ओपनली कहा लोग हमारे साथ नहीं। जब फारूक अब्दुल्ला को अरेस्ट किया गया तो उन्होंने कोशिश की कि पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन करें, नहीं कर पाए, लोग निकले नहीं, अपने ही परिवार के 7-8 लोग निकले प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। इसलिए मैं नहीं समझता हूं, मेरी आशा है कि भारत सरकार समझे, क्योंकि एक कॉन्सर्टेड अटेम्प्ट है मोदी जी को घेरने का अंदर से। मैं इंटरनेशनल सिचुएशन से उतना परेशान नहीं, मैं बाइडेन के स्टेटमेंट, बाइडेन को स्टेटमेंट देगा उससे कुछ कमाल होगा, मैं उससे परेशान नहीं,
मैं परेशान हूं कि अंदर से मोदी सरकार को बीजेपी के परिवार के भीतर से भी अपोजिशन को बिल्ड किया जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज को जो बाहर है उनके विरुद्ध है उनको तैयार किया जाता है, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट ये कि स्ट्रैटेजिक जो थिंक टैंक्स है उनके जरिए से पुराने ऑर्डर को चलाने की एक प्रोसेस को प्रेजेंट किया जाता है, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, ये एक प्रक्रिया चल रही है। आई एम श्योर ही इज इंटेलिजेंट एनफ टू रियलाइज व्हाट्स हैपनिंग। मोदी जी में बहुत से लोग ये भी कहते हैं वो एक डेमोक्रेटिक स्पेस देते हैं, वो लोगों को एक्सपेरिमेंटेशन करने का मौका भी देते हैं, लेकिन ये जो ये हो रहा है इससे वो अनभिज्ञ है, इग्नोरेंट है, मुझे नहीं लगता है। ये आशा हमारे पास है और हमारा तो रोल यही रहेगा कॉन्स्टेंटली उनको चेताना। हम समझते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, जिस तरह से इंदिरा गांधी ने 71 बार के बाद एक किस्म से स्ट्रेटेजिक सुसाइड किया, हम बार बार ये चेताएंगे नरेंद्र मोदी को कि आप वो स्ट्रेटेजिक सुसाइड नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया अजय भाई, आपने बिल्कुल जो वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में, उनके पर्सपेक्टिव में इस सारी सूरत हाल को हमारे सामने पेश किया। आपके साथ बातचीत होती रहेगी, आने वाले दिनों में आपके साथ जुड़े रहेंगे। व्यूज, बातचीत सुन रहे थे आप अजय कुमार चुरंगो भाई की, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनकी बुनियाद पर जो सीज़ फायर है उसके हवाले से जो डिफरेंट एंगल्स हैं वो सारे हमारे साथ शेयर किए। आने वाले दिनों में हम बातचीत करते रहेंगे अजय साहब से भी और कश्मीर के जो हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट हैं उनके साथ भी। आज का हमारा टैग टीवी का तजिया देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो आपके सामने पट्टी चल रही है, आप पेपॉल के ज़रिए या हमारी वेबसाइट tagtv.info या tagtvsouthasia.com पे जाके आप हमें डोनेट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पेट्रियन पे भी जाके आप हमें पैट्रोनाइज कर सकते हैं। आखिर में फिर मैं याद दिलाता हूँ कि हमारा यूट्यूब का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ हम 24/7 पूरा टीवी चैनल चलाते हैं जो यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग में आपको मिल जाएगा, और अमेरिका, कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में बसने वाले आईपी बॉक्सेस में हमारा चैनल 24/7 देख सकते हैं। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।